अब देखो वीडियो स्टार्ट कर ही रहे हैं उससे पहले आप लाइव प्रूफ देख लो। 80,000 रुपये का लोन यहाँ पे अप्रूवल हुआ है और ये जो आप 80,000 रुपये अमाउंट देख रहे हो क्रेडिट भी इंस्टेंट ये जो पैसा है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। तो वेल गाइस इस वीडियो के अंदर हम आपको क्रेडिट भी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाले हैं। अब देखो ये जो लोन आप देख रहे हो ये जो लोन है हमें विदाउट इनकम प्रूफ मिला है और सबसे बड़ी बात इस लोन के लिए हमें कोई भी झंझट नहीं लगा है। 5 मिनट में हमने ये लोन अप्लाई किया है। इससे पहले भी हमने 3 बार क्रेडिट भी एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई कर दिया था और यहाँ पे हमारा 3 बार एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जा रहा था। अब देखो YouTube की जनता को क्रेडिट भी एप्लीकेशन को लेके बहुत सारी कंफ्यूजन है और अभी के टाइम में इस पूरे मार्केट के अंदर 2-3 ऐसे एप्लीकेशन है जो आपको लोन प्रोवाइड कर रही है और एक अच्छा अमाउंट प्रोवाइड कर रही है। अब देखो एप्लीकेशन तो बिल्कुल जेन्युइन है लेकिन यहाँ पे तरीका नहीं पता है कि आखिर हम किस तरीके से लोन अप्लाई करें ताकि हमारा लोन अप्रूवल चांसेस बढ़ जाए और हमें आसानी से लोन मिल जाए। तो भाई साहब यही जो सेक्रेट ट्रिक है आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। इस वीडियो के अंदर आप ये जो देख रहे हो इसमें हम आपको क्रेडिट भी एप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल करने से लेके लाइव अकाउंट में पैसे ट्रांसफर तक का पूरा प्रोसेस मींस A to Z आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो पे अगर आपने क्लिक किया है तो अपना टाइम निकालिए और इस पूरे वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद क्रेडिट भी एप्लीकेशन से कैसे लोन अप्लाई करते हैं आपका ये जो डाउट है वो हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर फटाफट से कार्यक्रम स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा अब देखो क्रेडिट भी लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमने आप ये जो वीडियो देख रहे हो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया है। अब देखो लिंक से अगर क्लिक करके एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो हमारा कुछ भला हो जाएगा, बाकी अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और एक बार जैसे ही एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता है सिंपली आप इस एप्लीकेशन को ओपन कर दोगे। आप जैसे ही एप्लीकेशन ओपन करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा परमिशंस आएगा और यहां पे आपको जो भी परमिशंस क्रेडिट भी एप्लीकेशन मांग रही है उसको सिंपली यहां से अलाउ कर देना है। अब देखो पहले स्टेप के अंदर ये लोग पूछते हैं कि किस भाषा में लोन अप्लाई करना है, इंग्लिश सेलेक्ट करके यहां पे कंटिन्यू कर देना। अब देखो एक बार जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और यहां पे आपको लोन के ढेरों सारे ऑप्शंस दिखेंगे। अब आपको भी यहां पे कंफ्यूजन होगा कि ऊपर 5 लाख लिख रहा है, नीचे 80,000 लिख रहा है, उससे नीचे 2 लाख, 4 लाख, तो भाई साहब वाकई में लोन मिलेगा कितना। तो देखो 5 लाख रुपए तक का आपको ये लोन प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन। अब इसके अंदर भी क्राइटेरिया बांटा गया है, मान लो ऐसे केस में अगर आपके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है और उस केस में अगर आप लोन लेना चाहते हो तो 80,000 रुपए तक का मैक्सिमम लोन मिलेगा जैसे कि आपने हमारे वीडियो के अंदर देखा है। तो यहाँ पे हम 80,000 वाला ही लोन आपको अप्लाई करके दिखाएंगे। बाकी सारे लोन के अंदर आपसे सैलरी प्रूफ वगैरह मांगा जाएगा तो हमें उतना देना नहीं है, बाकी अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना अकाउंट साइन अप करना है जिसके लिए हम लॉग इन साइन अप विद मोबाइल पे क्लिक करेंगे और पहले स्टेप के अंदर यहाँ पे हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है। अब देखो लोगों का एप्लीकेशन आखिर रिजेक्ट क्यों हो जा रहा है इस चीज को आपको ध्यान देना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको वो मोबाइल नंबर डालना है जो आपके पैन कार्ड के साथ लिंक हो क्योंकि इससे आपका सिविल आसानी से फैच हो जाता है और आपको आसानी से एक अच्छा लोन अमाउंट ऑफर हो जाता है। तो अपना पर्सनल मोबाइल नंबर डाल के कंटिन्यू करिएगा, एक OTP आएगा, OTP वेरीफाई कर दीजिएगा, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही अपना OTP आप यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हो अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है और यहाँ पे आपको जो भी परमिशंस मांगा जा रहा है दोबारा से परमिशंस को अलाउ कर देना है। तो देखो आप लोन के लिए धड़ाधड़ से लोन अप्लाई तो कर लेते हो लेकिन कुछ ऐसे बातें हैं जो आपको समझने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आवर लेंडिंग पार्टनर आ रहा है। अब देखो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि क्रेडिट भी को कौन कौन से लेंडर्स हैं जो लोन देते हैं ये सारे कंपनी का यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे क्रेजी बी सर्विस लिमिटेड, IIFL, इनक्रेड और भी यहाँ पे बहुत सारी भतेरो कंपनी है जो इनका लेंडिंग पार्टनर है, मतलब लोन देते हैं। तो यहाँ पे जो सारा इन्फॉर्मेशन है आपको एक बार अच्छे से पढ़ के समझना चाहिए और उसके बाद ही आपको लोन के लिए आगे प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे हम सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अब आपके सामने एक रेफरल कोड का ऑप्शन आ रहा है, आई डोंट हैव रेफरल कोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ये स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं तो पहले स्टेप के अंदर यहाँ पे आपसे आपका पैन कार्ड का नंबर पूछा जाता है, तो अपने पॉकेट के अंदर से पैन कार्ड निकालो और आपके पैन कार्ड के ऊपर ही आपका पैन नंबर लिखा होता है, सिंपली पैन नंबर फिल करो और यहाँ पे आप कंटिन्यू कर दोगे। अब देखो जैसे ही अपने पैन कार्ड का डिटेल यहाँ पे आप फिल कर दोगे बेसिकली यहाँ पे हमें इनकम डिटेल्स फिल करना है। अब देखो इनकम डिटेल्स के अंदर हमें फिल क्या करना है सबसे पहले यही पे समझ लो, और यूट्यूब की जनता बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूजन कर रहे हैं और जिनकी वजह से उनका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा है। देखो पहले स्टेप के अंदर यहां पे आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, तो आपके जो पैन कार्ड पे आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है सेम एज इट इज आपको यही फिल करना है, और एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स के अंदर यहां पे सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड। अब देखो जो सैलरीड है कंपनी में जॉब करते हैं उनके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, अब वैसे ही बेरोजगार लोग क्या करें जिनका यहां पे बस सिविल ही है और उनको यहां पे एक अच्छा लोन अमाउंट चाहिए। अब देखो इस केस के अंदर हम सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर लोन अप्लाई करेंगे
करेंगे और इसी के अंदर हमें लोन मिलेगा। तो यहाँ पे आप सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर आप सैलरीड होगे तो यहाँ पे आप सैलरीड भी सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, आप मंथली इनकम पूछा जा रहा है। अब देखो, इसके अंदर बेसिकली आप मिनिमम अपना मंथली इनकम 30,000 रखना, क्योंकि जितना ज्यादा मंथली इनकम रहेगा उतना ज्यादा लोन यहाँ पे अप्रूवल होने का चांसेस रहेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल करेंगे और सिंपली आपको नीचे एक सबमिट का आइकन दिखाया जा रहा है, सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब एक बार जैसे ही आप ये डिटेल यहाँ पे फिल कर देते हो, बेसिकली क्रेडिट भी आपका प्रोफाइल चेक करता है और यहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि आपको लोन मिला है या फिर नहीं मिला है। यहाँ पे आप थोड़ा टाइम रुकोगे तो आपको एलिजिबिलिटी शो हो जाएगा। अब बेसिकली देखो, यहाँ पे अगर आपको लोन नहीं मिल रहा है, अगर आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे डिक्लाइन कर दी गई है, तो वीडियो को छोड़ के जाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको जो गोल्डन ट्रिक है वो वीडियो के आखिरी में बताएंगे, जिससे यहाँ पे आपका लोन अप्रूवल होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक मिनट वेट करना है और उसके बाद दोबारा से आप एप्लीकेशन ओपन करोगे तो आपके सामने जो भी आपका लोन का ऑफर है वो आपके सामने दिख जाएगा। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमें 1,00,000 रुपए का लोन एलिजिबिलिटी ऑफर आ चुका है और यहाँ पे इस एप्लीकेशन के द्वारा हमें 1,00,000 रुपए का लोन मिल जाएगा। अब देखो, ये जो लोन अमाउंट आप देख रहे हो ये भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जब आप आगे अपना सही सही डिटेल फिल करोगे तो आपके जो लोन अमाउंट है ये ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आपको लोन की एलिजिबिलिटी शो हो गई है तो समझ लो कि आपको यहाँ से लोन मिल जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे 2-3 स्टेप्स और होंगे और उसके बाद पैसे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमें कंटिन्यू टू अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक बार जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अब बेसिकली देखो, एड्रेस प्रूफ के अंदर आपको अपनी आधार कार्ड देनी है और सेल्फी के अंदर आपको अपना एक सेल्फी क्लिक करना है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे हमें अपनी एड्रेस प्रूफ देनी है। तो बेसिकली यहाँ पे हम अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आधार अपलोड करने के आपको 3 माध्यम दिखाई देते हैं। पहला है पेपरलेस आधार, दूसरा है डिजी लॉकर और तीसरा है अगर आप नहीं आधार देना चाहते हो तो अपने पासपोर्ट का फोटो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो सबसे जो आसान तरीका है वो पेपरलेस आधार का है, सिंपली आप इसे सेलेक्ट करोगे। जैसे ही आप आधार सेलेक्ट करते हो, यहाँ पे आपका 12 डिजिट का आधार संख्या आपसे पूछा जाता है, तो अपना कंप्लीट आधार नंबर यहाँ पे फिल करोगे और आपको नीचे एक सिक्योरिटी कोड देखने को मिल जाता है। ये जो नंबर आपको लिखा गया है सेम एज इट इज नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और यहाँ पे आप इसको नेक्स्ट कर दोगे। अब देखो, यहाँ पे हमने जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक किया है, इंटर ओटीपी का ऑप्शन आ चुका है, मतलब हमारे आधार कार्ड से जो भी नंबर लिंक है उस पे हमें एक आधार ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो अपना आधार ओटीपी यहाँ पे हम फिल करेंगे, तो नीचे हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा आधार वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप जैसे ही अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर लेते हो, दूसरे स्टेप के अंदर आपका सेल्फी कैमरा खुल के आ जाता है, जिसमें आपको अपना एक बढ़िया सा सेल्फी क्लिक करना है और इसी सेल्फी के बदौलत ही आपका KYC कंप्लीट होगा। तो जब आप सेल्फी ले रहे हो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि चश्मा वगैरह लगा के फोटो क्लिक नहीं करना है या फिर अगर आप टोपी वगैरह पहने हो तो आप उसे उतार दो, क्योंकि इससे आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो एक प्यारा सा मुस्कुराता हुआ सेल्फी आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आप अपना सेल्फी अपलोड कर दोगे। तो देख सकते हो पहले स्टेप के अंदर हमारा जो KYC डॉक्यूमेंट वाला स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। बेसिकली यहाँ पे हमें जनरल इन्फॉर्मेशन और रेफरेंसेस के अंदर अपना कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करना है। तो सबसे पहले हम जनरल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करेंगे। अब जैसे ही जनरल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपसे और भी इन्फॉर्मेशन पूछे जाते हैं, जैसे कि मैरिटल स्टेटस के अंदर शादीशुदा हो या फिर अखंड सिंगल हो या फिर बीबी से आके तंग होकर तलाक ले चुके हो। अब देखो, जो भी आपके साथ केस है उसे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और बाकी आपको नीचे एडुकेशन के बारे में पूछा जाता है कि आपने पढ़ाई कहाँ तक कंप्लीट किया है। अब देखो, यहाँ पे जो भी एडुकेशन डालोगे इसके लिए आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, तो अपना एडुकेशन फिल कर देना और प्रोफेशन ऑक्यूपेशन के अंदर आप क्या काम करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे देंगे। यहाँ पे आप जो भी आप काम करते हो आप उसे सेलेक्ट कर लेना। आपका जो यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस है वो आपके KYC के डॉक्यूमेंट का सेम रहेगा, अगर ऐसा कुछ है तो आप इसे सेम सेलेक्ट करेंगे। बाकी अगर आप एक नया एड्रेस देना चाहते हैं, जैसे कि आपने आधार कार्ड का एड्रेस दिया है, अगर आप उस एड्रेस पे नहीं रहते कोई दूसरा एड्रेस पे रहते हैं तो यहाँ पे आप एक नया एड्रेस दे सकते हैं। टाइप ऑफ रेसिडेंस के अंदर यहाँ पे आपका जो घर है वो आपका खुद का है या फिर कंपनी ने दिया है, जो भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आप फिल करेंगे और नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। एक बार जैसे ही आप ये स्टेप कंप्लीट कर लेते हो, बेसिकली यहाँ पे अब आपको रेफरेंस डिटेल्स फिल करना है। अब देखो, ये क्यों फिल करना है, जब आप इनका लोन लेके विजय माल्या बन जाते हो उस केस में आपसे ये कांटेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप 2 फोन नंबर दोगे, इसमें आप अपने पेरेंट्स या फिर माता पिता या फिर अपने हस्बैंड वाइफ जो भी हैं उनका पहले रेफरेंस में देना है। तो अगर आपने फादर का नाम दे रहे हो तो यहाँ पे फादर सेलेक्ट करोगे, उनका नंबर डालोगे और उसी प्रकार से अगर आपने किसी फ्रेंड का दे रहे हो तो फ्रेंड का पूरा नाम और उसका नंबर यहाँ पे आप दे दोगे और उसके बाद नीचे कंटिन्यू करोगे तो आपका ये रेफरेंस वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सारी डिटेल यहाँ पे डालने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे स्क्रीन के अंदर एक जो ऑफर है वो अनलॉक हो चुका है, जिसमें हमें 80,000 रुपए डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करने का ऑप्शन मिल रहा है और इसी लोन के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में हम ट्रांसफर करके आपको दिखाने वाले हैं।
तो सिंपली हम गेट नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही गेट नाउ पे क्लिक करते हो आपसे ये पूछा जाता है कि इस लोन को आप कितने टाइम के अंदर वापस करोगे, मतलब कितना ईएमआई के अंदर वापस करोगे। तो यहाँ पे हम 12 महीने सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आप मिनिमम 5000 मैक्सिमम 80000 रुपए का लोन ले सकते हो। अगर हम 80000 रुपए का लोन लेंगे तो क्या ईएमआई आएगा ये भी आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो आप सब कुछ एक बार चेक करेंगे और व्यू समरी पे आपको क्लिक कर देना है। एक बार सारे डिटेल को चेक करने के बाद आपके सामने लोन का कंप्लीट समरी आ जा रहा है। और हमारे जितने भी यूट्यूब के ऑडियंस है, जब भी आप लोन अप्लाई कर रहे हो तो समरी चार्जेज एक बार अच्छे से चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट रेट लगाया जा रहा है वो 26% यहाँ पे ईयरली लगाया जा रहा है और यहाँ पे जो एनुअलाइज परसेंट रेट है वो 35.36% के हिसाब से आपको लगाया जा रहा है। मतलब 80000 रुपए के लोन में आपको 12000 रुपए का इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है और यहाँ पे आपको 3360 रुपए एज अ प्रोसेसिंग फी देना है, वन टाइम ऑन बोर्डिंग फी 500 रुपए, जीएसटी 695 रुपए और लोन के लिए जो डॉक्यूमेंट फी है वो आपको 200 रुपए देने हैं। तो आपके अकाउंट में फाइनल 75,245 रुपए ट्रांसफर होंगे जो कि आप 12 महीने के अंदर वापस करेंगे। सब कुछ आपके स्क्रीन पे आ चुका है, नीचे आपको कूपन कोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, अगर कोई कूपन कोड होगा आप अप्लाई कर लेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग फी वगैरह में आपको छूट मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई इंश्योरेंस प्लान का ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें आपको कुछ भी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको व्यू रीपेमेंट शेड्यूल पे क्लिक कर देना है। अब देखो जैसे ही इस स्टेप को कंप्लीट कर लेते हैं हम आखिरी स्टेप के अंदर पहुंच चुके हैं जहां पे हमें बैंक डिटेल डालना है और जिस बैंक में आपको पैसे चाहिए वो बैंक डिटेल यहां पे आपको फिल कर देना है। तो देखो सबसे पहले आपको अपनी बैंक की आईएफएससी कोड फिल करनी है। यहां पे अकाउंट नंबर, दोबारा से अकाउंट नंबर, टर्म्स एंड कंडीशन क्लिक करोगे और ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक कर दोगे। अब देखो जिनके नाम से आप ये पूरा लोन अप्लाई किए हो उन्हीं का बैंक डिटेल डालोगे तभी आपका लोन का पैसा आएगा, तो ये चीज आपको समझ लेना है। और उसके बाद आप ऐड बैंक डिटेल पे क्लिक करके अपना बैंक डिटेल यहाँ पे ऐड कर लोगे। एक बार जैसे ही आप बैंक डिटेल को कंप्लीट ऐड कर लेते हो तो यहाँ पे आपके अकाउंट में 1 रुपए ट्रांसफर करके देखा जाएगा। तो यहाँ पे आप नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करते हो पूरा लोन का जो एग्रीमेंट है वो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बस आपको टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके कंटिन्यू टू साइन इन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे ही साइन इन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हो आपका एक फेस आईडी वेरिफिकेशन होता है और डेट सेट, यहाँ पे आपका लोन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। सारे स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद मुश्किल से 1 से 2 घंटे के अंदर लोन का पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, मैक्सिमम 24 घंटे भी लग सकते हैं। तो दोस्तों क्रेडिट व्यू एप्लीकेशन से कैसे लोन अप्लाई करना है A to Z इन्फॉर्मेशन हमने आपको बता दिया है। अगर आपको अभी कोई डाउट या फिर कंफ्यूजन बच चुका है तो आप इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे लोगों को अगर यहाँ पे लोन नहीं मिल रहा है तो हमने नावी से कैसे लोन लेना है इसके बारे में भी बताया है, तो आप हमारा वो भी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और बाकी अगर आप इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।